एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स के बारे में। सो बेसिकली 6 टाइप्स के ओव्यूल्स होते हैं जिनके बारे में आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के बारे में। सो ओव्यूल में बेसिकली कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओव्यूल में सेंटर में प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक को सराउंड करते हुए कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि है म्यूसेलस। इसके अलावा यहाँ पर चलाजा प्रेजेंट होता है, ऊपर की तरफ माइक्रोपाइल होता है और यहाँ पर इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो एंड है ये है फ्यूनिकल। सो यहाँ पर जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है उसके केस में क्या है, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज स्ट्रेट एंड द फ्यूनिकल चलाजा एंड माइक्रोपाइल ऑल लाई इन सेम वर्टिकल एक्सिस। यहाँ पर जो ओव्यूल की बॉडी होती है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के केस में ये स्ट्रेट है और यहाँ पर फ्यूनिकल चलाजा और माइक्रोपाइल ये तीनों आपको एक सीधी लाइन में देखने को मिलेंगे वर्टिकल एक्सिस में। इस वजह से इस ओव्यूल को ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहा जाता है। एग्जांपल्स की अगर बात करें तो ये ओव्यूल आपको साइकस में देखने को मिलेगा जो कि एक जिम्नोस्पर्म है और इसके अलावा आपको ये पॉलीगोनम में भी देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की जो कि है एनाट्रोपस ओव्यूल। ये जो ओव्यूल है ये सबसे ज्यादा कॉमन ओव्यूल है क्योंकि जो एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज होती है उनमें ये सबसे ज्यादा कॉमन टाइप है। सो ये ओव्यूल सबसे ज्यादा पाया जाता है एंजियोस्पर्म्स में। इस ओव्यूल की अगर हम बात करें तो इस ओव्यूल को हम इन्वर्टेड ओव्यूल भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये जो फ्यूनिकल है ये ज्यादा ग्रो कर जाता है जिसकी वजह से जो पूरा ओव्यूल है ये आपको इन्वर्टेड यहाँ पर दिखाई देता है। सो यहाँ पर क्या है, ओव्यूल इज इन्वर्टेड ड्यू टू कर्वेचर ऑफ फ्यूनिकल एट इट्स एपेक्स। फ्यूनिकल के कर्वेचर की वजह से ये ओव्यूल इन्वर्टेड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो माइक्रोपाइल है वो हाइलम के पास आपको देखने को मिलेगी क्योंकि पूरा ओव्यूल इन्वर्टेड फॉर्म में आ गया है। सो यहाँ पर जो माइक्रोपाइल है वो आपको हाइलम के पास देखने को मिलेगा और इसके अलावा जो चलाजल एंड है वो आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर देखने को मिलेगा एनाट्रोपस ओव्यूल के केस में। ये जो ओव्यूल है ये आपको मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है। तो अगर आप इसको ऑर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस ओव्यूल को कंपेयर करें तो जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है ये आपको स्ट्रेट देखने को मिलेगा, यहाँ पर फ्यूनिकल चलाजा और माइक्रोपाइल तीनों एक सीधी लाइन में प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है वो इन्वर्टेड ओव्यूल है और यहाँ पर माइक्रोपाइल आपको हाइलम के पास देखने को मिलेगा और जो चलाजा है वो आपको ऊपर वाले एंड पर देखने को मिलेगा यानी कि अपर एंड पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो रोटेशन है वो लगभग 180 डिग्री रोटेशन है क्योंकि ये जो ओव्यूल है ये स्ट्रेट है। अगर आप इसको कंपेयर करें एनाट्रोपस ओव्यूल को अगर आप ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल से कंपेयर करें तो यहाँ पर एनाट्रोपस ओव्यूल में 180 डिग्री रोटेशन देखने को मिलता है क्योंकि ये पूरा एंड जस्ट इन्वर्टेड हो जाता है यहाँ पर एनाट्रोपस ओव्यूल में। सो यहाँ पर लगभग 180 डिग्री का इन्वर्जन आपको देखने को मिलता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे थर्ड टाइप के ओव्यूल की जो कि है हेमीट्रोपस या हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। यहाँ पर क्या है, बॉडी ऑफ ओव्यूल इज ट्विस्टेड ओनली हाफ वे। यहाँ पर जो ओव्यूल की बॉडी है वो कम्प्लीटली इन्वर्टेड नहीं है बल्कि थोड़ी सी ही कर्व्ड है और यहाँ पर इस वजह से क्या होता है, ये जो ओव्यूल है ये फ्यूनिकल से राइट एंगल बनाता है यानी कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर देखने को आपको मिलता है हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल के केस में। यहाँ पर जो माइक्रोपाइल और चलाजा की लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें माइक्रोपाइल से लेकर चलाजा तक तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर जा रही है और जो फ्यूनिकल है वहां से भी अगर आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो माइक्रोपाइल है वो फ्यूनिकल से 90 डिग्री के एंगल पर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा रेनकुलस में और प्रिमुला में। सो यहाँ पर ये है बेसिक तीन टाइप के ओव्यूल जिसमें कि जो ऑर्थोट्रोपस है वो सिंपलेस्ट है। यहाँ पर आपको तीनों पोर्शंस जो है फ्यूनिकल चलाजा और माइक्रोपाइल ये स्ट्रेट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एनाट्रोपस के केस में आपको माइक्रोपाइल नीचे की तरफ और चलाजा ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, 180 डिग्री रोटेशन यहाँ पर होता है और
जो हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल है यहाँ पर आपको 90 डिग्री का एंगल देखने को मिलेगा बिटवीन माइक्रोपाइल एंड फ्यूनिकल. सो नेक्स्ट है कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल. यहाँ पर क्या है, द ओव्यूल इज बेंड मोर और लेस एट राइट एंगल टू द फ्यूनिकल. यहाँ पर जो ओव्यूल है वो फ्यूनिकल से लगभग राइट एंगल पर बेंड रहता है. आपको एग्जैक्टली राइट एंगल यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा. और ये जो माइक्रोपाइलर एंड यहाँ पर होता है ये कुछ ज्यादा ही नीचे की तरफ बेंड होता है, जिसकी वजह से जो पूरा ओव्यूल है उसका शेप बीन शेप्ड लगता है. सो द माइक्रोपाइलर हाफ शोज मोर कर्वेचर सो ओव्यूल लुक्स बीन शेप्ड. ये ओव्यूल आपको फैमिली क्रूसीफेरी के मेंबर्स में देखने को मिलेगा. इसके बाद बात कर लेते हैं एम्फीट्रोपस ओव्यूल की. ये जो ओव्यूल है इसे हम ट्रांसवर्स ओव्यूल भी कहते हैं. और इस ओव्यूल में क्या है, जो ओव्यूल है एज वेल एज जो एम्ब्रियो सैक है दोनों ही आपको हॉर्स शू शेप्ड देखने को मिलते हैं. ये ओव्यूल आपको फैमिली ब्यूटोमेसी के मेंबर्स में देखने को मिलेगा और एलिस्मा में देखने को मिलेगा. इसके बाद बात कर लेते हैं सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल की. इस ओव्यूल के केस में क्या होता है, जो फ्यूनिकल है वो बहुत ही ज्यादा रैपिडली ग्रो करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फ्यूनिकल है बहुत ही ज्यादा लंबा है, जिसकी वजह से आपको ये जो ओव्यूल है ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखने को मिल रहा है. यानी कि इस ओव्यूल के चारों तरफ आपको फ्यूनिकल देखने को मिलेगा सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल के केस में. सो इन दिस केस द फ्यूनिकल इज वेरी लॉन्ग एंड सराउंड्स द ओव्यूल. ये ओव्यूल आपको उपुंचिया में देखने को मिलेगा. सो ये बेसिकली थे टाइप्स ऑफ ओव्यूल. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए. थैंक यू सो मच.